तो ये आपका पहला प्यार? मेरा पहला प्यार है? ये मेरे पूरे खानदान का पहला प्यार है। इससे पहले मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी इस लेवल पे आकर मोहब्बत नहीं की। बताइए किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप? वही जो शक्ल से खूबसूरत हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो और दिल की अच्छी हो। इस महंगाई के जमाने में तीन तीन लड़कियां कैसे अफोर्ड कर सकेंगे आप, बताइए? नहीं, ये तीन तीन नहीं है, ये 3-in-1 है। जिसने जीता मेरा मन है, दिल की खरी है, ये वो परी है। काफी हरी भरी है। टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ प्रेम भाई, मेरे तो निकल पड़ी हरियाली हरियाली। कमाल के आदमी हो प्रेम भाई। प्रिया सुना तुमने? ओए हेलो, ये क्या कर रहा है तू भास्कर? प्यार किसी को और किस किसी को? क्या किसी को क्या किया? उसी को तो किया जिसके बनने वालों में पिया। यही तो है प्रिया, शी इज द लकी वन। ओए हीरो, पता ये कौन है? प्रिया जयसिंह, राज जयसिंह की बेटी, 1,000 करोड़ की मालकिन। अबे तुझसे तो क्या, ये मुझसे नहीं बटेगी। फॉरगेट अबाउट इट, नो चांस, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। प्रेम भाई, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, इस किस्म के कोई शब्द ही नहीं है आपके डिक्शनरी में, ऐसा मैंने सुना था। कह दो कि ये झूठ है। यही सच है भास्कर। भास्कर दिवाकर चौधरी। हाँ वही। देख, एक बार मैं बुश और ओसामा की दोस्ती करा सकता हूँ, लेकिन तेरा इसके साथ नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन प्रेम भाई, मेरी बात प्रिया, लेकिन प्रेम भाई, बुश, ओसामा, कहाँ वो इंटरनेशनल मैटर? ये कहाँ छोटी सी लव स्टोरी? ये कौन सी बात किधर जा रही है? प्रेम भाई, हेलो। हाँ, हॉटलाइन से भास्कर दिवाकर चौधरी बोल रहा हूँ सर। भास्कर, मैंने तुझे क्या बोला था? क्या बोले थे? समझ नहीं आई मेरी बात? कौन सी वाली बात याद दिलाई? प्रिया को भूल जा और मुझे फोन नहीं करना तू। अरे कोई चना भटूरा है? हाँ, कोई भाजी पाव है? हेलो हेलो हेलो, अबे बोला ना तुझे। नहीं, बोलने से क्या होता है, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। हेलो प्रेम भाई, अरे प्रेम भाई, अरे प्रेम भाई, अबे तू बस में क्या कर रहा है? अरे बेबस होकर भटक रहा हूँ। प्रेम भाई, मेरी बात मान लो ना। देख भास्कर, मैं तेरी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, because you're useless, I am bloody helpless. मेरा पीछा छोड़ दे यार। मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे प्रिया से नहीं मिलाते। मैं आज नहीं तो कल आऊंगा, कल नहीं तो परसों आऊंगा। मैं तो कहता हूँ मैं आता ही चला जाऊंगा। आकल, फोन कर मुझे, मैं 1 महीने के लिए फुकेट जा रहा हूँ, फैमिली हॉलीडे पे, और मेरे फोन में रोमिंग भी नहीं है। अरे तुम्हारा फोन रोमिंग हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ ही रोम करूंगा। ए बस वाला, ये बस फुकेट जाती है क्या? डॉक्टर सर, where is the person who died in the bus accident? वो 15 नंबर सीट का कोई पैसेंजर था, भास्कर नाम था उसका। भास्कर, शिट मैन, भास्कर, भास्कर मुझे माफ कर दे यार, ये क्या हो गया? मैंने तुझे प्यार छोड़ने के लिए कहा था और तूने दुनिया ही छोड़ दी। पता है कि प्यार करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन तू बस में ही बैठ के निकल गया और हम सबको बेबस कर गया। पगले, कम से कम एक तो मौका दिया होता, मिलवाता तुझे प्रिया से, तो आज के दौर का वो मजनू है जो लैला लैला करते करते अपना मैला थैला मेरे पास छोड़कर चला गया। लेकिन भास्कर, तू मरा नहीं है, क्योंकि भास्कर कभी मरते नहीं है। God bless you, stupid भास्कर। लेकिन कुछ तो बोल, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अचानक से उठेगा, मेरे गले लग जाएगा और मुझे माफ कर देगा। माफ कर दिया। भास्कर यू अलाइव? भास्कर यू अलाइव? भास्कर यू अलाइव? यस, भास्कर इज अलाइव, हेल एंड हार्टी। शिट मैन, ये कैसे हुआ? ये सब भाई साहब की कृपा है। Who is this? ये कौन है? ये अंकल जॉन है। ओह। जब मैं बस में बैठा तो मुझे वो कहने लगे, बेटा क्या मैं तुम्हारी सीट पे बैठ सकता हूँ? मैं खिड़की से वादियां देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठिए ना, यहाँ पर तो बर्बादियाँ बर्बादियाँ हैं, कम से कम आप ही वादियाँ देख लीजिए। बेचारे वो वादियाँ देखते देखते
वादियों में खो गए और मैं एक बढ़िया से हॉस्पिटल में आ गया। वाड़िया हॉस्पिटल नाम है इसका। Yes. है ना किस्मत की बात। तेरी किस्मत और मेरी बदकिस्मती। ना प्रेम ना, मैंने अपने कानों से सुना है कितना चाहते हो तुम मुझे। जा कर दिया तुझे माफ, तेरा दिल है साफ, कितनी फिक्र है। I'm touched. Don't touch me. Don't touch me. तेरा मरना कैंसिल तो मेरी कसम भी कैंसिल। ए प्रेम भाई, अभी तो इतनी प्रेम भरी बातें कर रहे थे आप मेरे साथ। देखो प्रेम भाई, मैं अपने बॉस से पीछे छुड़ा के आया हूँ, अब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? क्योंकि आप ही वो फरिश्ता हो जो मेरा रिश्ता प्रिया के साथ जोड़ सकते हो। Oh. जब प्रिया मुझे बेटा देगी तो मैं उसका नाम प्रेम रखूंगा। अपने घर में आपका फोटो फ्रेम रखूंगा। Really, thank you. ना प्रेम भाई, आप मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं कर सकता। प्रेम भाई, मुझे आपके साथ मिलकर संगीत संगीत नहीं करूंगा। ये वही जॉन अंकल थे? थे नहीं, ये तो है। हेलो। इंटरेस्टिंग ड्रेस कोड। स्टूपिड भास्कर। हाँ भास्कर। या नाइस, तू ऑफिस जा रहा है स्कूल जा रहा है? अभी रुको मत प्रेम भाई, प्रिया इज वेटिंग फॉर मी, कम ऑन। देख भास्कर, 10 में से 8 लड़कियां इससे इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन ये उन 2 में से हैं। ड्यूड, you're practically nude. Why, what's the prop? Yeah, tell me. Stupid Bhaskar. Yeah. Yeah, bro. अब जाके conference room के atmosphere को ऐसा rock कर दे कि प्रिया चौंक जाए, हिल जाए, shock हो जाए. So shock and rock. Shock and rock. नामुमकिन। क्यों, कैसा रहा भास्कर? Fantastic. Good. सीधा प्रिया की इंसल्ट कर डाली। वाह। जो मन में आया बोल डाला। वाह। यहाँ तक कि उसके मुंह पर इस्तीफा फेंक दिया। ये हुई ना बात। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मतलब? जहाद के चक्कर में पेट पे लात मार दी। तुमने मुझे बोला था कि तुम शौक दो नोटिस करेगी। नोटिस ना भेज दे मुझे कहीं नौकरी से निकालने के लिए। मुझे उसके बचाना पड़ेगा। I have to go to her to tell her sorry. I'm coming. अबे जा के तो दिखा। प्रेम भाई, मैं गरीब टाइप का आदमी हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, वो खुद तेरे पास चल के आएगी। 10 जन्म में भी नहीं आएगी। अबे मेरा काम सिर्फ इस जन्म तक का है, 10 जन्म तक का नहीं है। चल 10 10 9 8 क्यों लगा रहे हो मेरी वाट? 5 4 3 2 लो आ गए। ऐसा लगता है जी। जाके दरवाजा खोलो अभी। हाँ, लेकिन छोड़ोगे तो खोलूंगा ना। हेलो भास्कर। मुंह बंद कर, नहीं तो दिल की फीलिंग्स दिख जाएंगी। हेलो मैम। भास्कर, आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैं भी नहीं करने वाला था। घुटने में टिक, दरवाजे से टिक। एक्सलेंट भास्कर, एक्सलेंट। जिस तरह तुमने बिना डरे मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? और मेरी कंपनी में सिर्फ यस मैम कहने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड। Yes, ma'am. No. I mean, no, ma'am. Actually, मैं सोच रही थी कि इस हफ्ते मैं और आप कहीं डिनर पे चले तो। हाँ। एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहती हूँ, तो लेट्स मीट। डिनर के बहाने बिजनेस की बातें भी करेंगे। डिनर डिनर ओके 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 श्योर डिनर श्योर 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 डिनर डिनर डन 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 करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नहीं मैं तैयार हूँ। आप जब भी बोले, जिधर भी बोले, जैसे भी। मैं अपना नंबर देती हूँ। Yes. आपके पास पेन होगा? हाँ, पेन पेन। कमाल लाश, कमाल। थैंक यू प्रिया जी। भास्कर, आज से प्रिया जी नहीं, सिर्फ प्रिया। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। ये खुशी क्या, नाक से निकल रहे? इतनी खुशी, ये ले। अबे वाकई में बहुत खुशी है तुझे।
प्रेम भाई, आज तक आपने जितनी भी बातें मुझको सिखाई हैं, मैंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको फॉलो किया है, मगर फिर भी प्रिया और मेरे बीच में कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर इसमें दोष किसका है? किसका है? किसका है? किसका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अबे ये तो मैं बोल रहा हूँ कि किसका है, मतलब कि चुम्मे का। जब तक तू प्रिया को किस नहीं करेगा, तेरी बात आगे नहीं बढ़ेगी। अरे ना बाबा ना, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। तो अब कर ले, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम मुझको नहीं, प्रॉब्लम प्रिया को हो सकती है ना। क्यों? अरे भाई वो इतने बड़े घर की लड़की है, वो मुझे से कॉमन फेस को किस क्यों करेगी? फिक्र मत कर, लड़कियां किस करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तेरे चेहरे पर उसकी नजर नहीं जाएगी। ओह, लेकिन प्यार में किस करना जरूरी होता है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10 में से 8 लड़कियां पहले ही किस में जान जाती हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। मेरे पास कमाल का आइडिया है, मैं प्रिया को दूर से फ्लाई किस कर दूं। तू सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, अबे तू कॉमन मैन है, कॉमन मैन की तरह किस करना। ओके, एक फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, जब मैं प्रिया को किस करूं तो किस देते समय मैं सांस अंदर खींचूं कि बाहर छोड़ूं? अबे अस्थमा के पेशेंट, क्या रोकेगा और क्या छोड़ेगा? रिया जी, मेरा नाम प्रेम है। आई नो, मेरी बोट में क्या कर रहे हो? गेट आउट, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी। शट अप, क्या मिला ये सब करके? भास्कर और आपकी खुशी, 2 प्यार करने वाले मिल जाएं, उससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? कैसे? बॉर्डरूम मीटिंग में उसे नाटक करवा के? मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आप उसे नोटिस करती? क्यों नहीं, देर से ही सही, शायद करती। उसके माँ बाप ने उसके पैदा होने पे उसे नोटिस नहीं किया, और आप करती? मैं नहीं मानता प्रिया जी। पर मैं मान गई, कमाल का होमवर्क किया था आपने, मेरी पसंद नापसंद आपने सब जान लिया, यहाँ तक कि बचपन से मुझे सीटी बजाना नहीं आता, तो आपने उसे वो भी सिखा दिया। भास्कर ने सीटी बजाई? टपोरी साला। हाँ, टपोरी डांस भी किया, तो कभी नर्वस होके शर्ट पे कॉफी गिरा दी, और बेस्ट टच वो था। क्या? वो अस्थमा का पंप निकालना। उसने अस्थमा का पंप भी निकाला? और वो भी किस करने से जस्ट पहले। What timing? वो सारी हरकतें, हर बात मुझे कितनी क्यूट लगती थी। क्यों हंस रहे हो? इसीलिए कि ये सब मैंने उसे नहीं सिखाया था, बल्कि ये सब करने से मैंने उसे रोका था। तुम मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े बाप की बेटी हो, पढ़ी लिखी हो, सेंसिबल हो, स्टाइलिश हो, तुमने भास्कर के नॉनसेंस में सेंस कैसे देख लिया? मतलब? मतलब ये कि स्टाइल सिखाया जा सकता है, सादगी या सिंपलिसिटी नहीं। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी आदमी को अच्छा नहीं बना सकता, और भास्कर तुम जानती हो कि पहले से अच्छा है। हे भगवान, ये साले भास्कर का होगा क्या? हे, क्या होगा? मुझसे प्यार होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, और बच्चे तुमको प्रेम अंकल बुलाएंगे। hey! तो ये गेम था लव गुरु भास्कर, कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू सैया बन के नैया के ऊपर छैया छैया करे, और भैया बन के वहां किनारे पे से हाथ लाऊं। भास्कर, यू होल्ड इट। मैं सोचता था कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है और प्रिया को अपनी भाभी, लेकिन तू तो जॉइंट फैमिली के नाम पे कलंक निकला। ओह शिट, मैं इसको बरसों में नहीं सिखा सका, तूने इसको एक दिन में सिखा दिया। बता उसको, बता समझा उसको। स्टॉप इट। तुम्हारी याद में रोज इसी की तो प्रैक्टिस किया करती थी, हर सांस में या तो जान निकलती थी या सीटी। योशोना, ये सीटी जो तुमने बजाई, ये मेरी सिखाई हुई है ना? You love me ना? I love you too. ये प्रेम भाई किधर गए? इनको मैंने बहुत कुछ कह दिया। प्रेम भाई, sorry to misunderstand your brother, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी। अबे चुप बैठना यार। मुझे आज तक नहीं हुई। साला नाटक। इतनी ज्यादा खुशी।